प्रफुल्ल जी, संसद में एनसीपी ने यूपीए से दूरी बनाने का एक और वाकया हुआ है। पहले ट्राई कानून में संशोधन, फिर बीमा बिल और अब यूपीएससी विवाद में एनसीपी बीजेपी के साथ खड़ी दिखी। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो अलग भूमिका ले रही थी, सत्ता में आने के बाद उसी काम को आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस जब सत्ता में थी जो करना चाहती थी उसके विरोध में बीजेपी खड़ी थी। भूमिका बीजेपी की और कांग्रेस की बदल रही है। कुर्सी बदल जाए, पाला बदल जाए तो लोग अपनी भूमिका बदल रहे हैं। हम जहां थे वहां खड़े हैं। एनसीपी की बढ़ती नजदीकियों से महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं के माथे पर बल पड़ गया है। वे सफाई देने आगे आए हैं। ये जानबूझकर लोगों के मन में कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए है। हम तो आने वाले चुनाव में जिस प्रकार एनसीपी ने कांग्रेस के साथ रहकर यहाँ भ्रष्टाचार किया है उसको आड़े हाथ लेने वाले, जनता के सामने वही विषय रखने वाले और इसे बीजेपी और एनसीपी इसका नज़दीक आने का एक मिलीमीटर भी चांस नहीं। पावर और पवार, सत्ता का ये समीकरण इस बार बदल चुका है। ऐसे में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अपना वजूद बनाए रखने के लिए एनसीपी को सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। अपने सहयोगी दल कांग्रेस पर दबाव बनाने की वो हर संभव कोशिश में है। ऐसे में केंद्र की बीजेपी सरकार का समर्थन करना क्या उसी बात का एक कदम तो नहीं? आज की डेट में कांग्रेस का पलड़ा बहुत कमज़ोर है महाराष्ट्र में। सिर्फ दो खासदार उनके चुन के आए, एनसीपी के चार चुन के आए। यही गणित पिछली बार जब हुआ था उन्होंने ज़्यादा सीटें मांग ली थी, तो कुछ भी करके 140 सीटें कैसे मिले ताकि ज़्यादा सीटें चुन के आएंगी तो मुख्यमंत्री पद के लिए क्लेम कर सके, इसके लिए ये दबाव की सीधी राजनीति है शरद पवार की। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस एनसीपी गठबंधन में दूरियां बढ़ी हैं। ऐसे में दबाव का ये खेल तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र में सोनिया गांधी और शरद पवार के बीच बातचीत नहीं होती। इस मुलाकात में 125 सीटों पर एनसीपी को मना लेने की कांग्रेस की रणनीति है। मुंबई से प्रसाद काथे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक विधानसभा बनने वाली है। विधानसभा की